सरकार पूरी तरीके से सजग है, स्वास्थ्य विभाग लगातार इसमें व्यवस्थाएं कर रहा है। मैंने भी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, सर्वे की टीमें भी बनाई गई हैं जिससे कि वो घर घर जाकर वहाँ पर सर्वे करें और जहाँ जो पानी का इकट्ठा हो जाता है जिसमें लार्वा होता है उसको लार्वा नष्ट किया जा रहा है, पूरी जागरूकता अभियान भी चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा है कि चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू हो या मलेरिया हो, इनकी मौसमी बीमारियाँ एकदम बढ़ी, क्या विभाग का पूरा फोकस कोरोना पे था? नहीं देखिए, कोरोना में जिस मुस्तैदी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, चाहे गरीबों को इलाज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, चाहे दूसरी जो योजना के अंतर्गत लोगों को जैसे आयुष्मान भारत में अस्पतालों को जोड़कर वहां पर लोगों को इलाज कराने की बात हो, जनता को जोड़कर जनप्रतिनिधियों को जोड़ पर एक जनभागीदारी का मॉडल प्रस्तुत किया, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज की स्थिति में हम कोरोना में कंट्रोल की। बाकी बीमारियों पर क्यों नहीं? बाकी बीमारियों पर भी पूरी तरह से हम लोग सजग हैं, चाहे डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, वायरल फ्लू की बात करें। मैंने स्वयं ने भी इसकी समीक्षा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी लगातार हम लोग जिलों में संपर्क में हैं, डोर टू डोर सर्वे भी उन जिलों में अतिरिक्त टीमें भेजकर कर रहे हैं जहां पर की केस ज्यादा हैं। सर समीक्षा में क्या निर्देश दिए, अतिरिक्त वार्ड बनाने हैं या तमाम चीजें क्या उसमें करना है? देखिए अतिरिक्त वार्ड जिलों में जिला अस्पतालों में भी हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की गई है और सर्वे पूरा मुस्तैदी के साथ में किया जा सके, निर्देशित किया गया और जनता को जागरूक भी किया जा सके और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी 15 तारीख को जनता को जागरूकता के अभियान में शामिल। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट भी किया है उन्होंने, स्वास्थ्य मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के चल बनाने की बात। आरोप निराधार है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में और ताकत के साथ में काम कर रही है। सर अंतिम सवाल एक बनता है कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं तो क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि डॉक्टरों की नियुक्तियां भी होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर की बात हो चाहे नर्सेस की बात हो, इनकी नियुक्तियां नहीं है, बार बार बात ये निकल के आ रही है कि अस्पतालों में जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज कैसे? लगातार हम HR की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी पिछले वीक ही 426 डॉक्टरों की जो PSC से सेलेक्ट थे उनकी नियुक्तियाँ की गई, कल ही हमने 60 डॉक्टरों की और भी नियुक्तियां की हैं, इसके पहले हमारी सिस्टर नर्स की भी और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्तियां की गई हैं और भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिससे कि और भी हम लोग चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे HR की बात करें लगातार बढ़ा रहे हैं। साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो विपक्ष के आरोप हैं वो निराधार हैं, लेकिन ऐसे में व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बात मंत्री द्वारा कही जा रही है। भोपाल से आदर्श चौरसिया, ETV भारत।